सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स ऑन आरके चैनल सिस्टम। आज आपके लिए मैं नई गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट नोटिफिकेशन लाया हूं, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1017 वैकेंसियां निकली हुई हैं, पोस्टें निकली हुई हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में किसमें कितनी पोस्टें निकली हुई है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नई अपडेट्स मिलती रहेगी। और ये पोस्टेज आपको 21/12/2017 को ऑनलाइन होगी, जो कि अभी नहीं है। और लास्ट डेट इसकी जो फिलिंग है 11/1/2018 तक है। 20 दिन आपके लिए फिलिंग के लिए टाइमिंग मिल रही है, तो कभी कभार इंसान बिजी में नहीं भर पाता है, तो इसको प्लीज़ कोशिश करिएगा कि जल्दी भरें, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब 21/12/2017 को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म का भरने का वीडियो एक और मिल जाएगा आपको, जिससे आपको आसानी रहेगी हाउ टू फिलिंग फॉर्म के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हाँ, चलिए डिटेल ऑफ वैकेंसी देखते हैं किसमें कितनी पोस्ट निकली है और कौन कौन सी पोस्ट निकली है। डिप्टी कमिश्नर का पोस्ट निकला हुआ है, जो कि टोटल 4 पोस्टेज है। और ये कैटेगरी वाइज टोटल पोस्टें हैं, इसमें आप देख सकते हैं पे लेवल पर 7 CPC के हिसाब से आपका ये सब यहाँ दे रखा है। एज भी दे रखा है, एज लिमिट दे रखा है। असिस्टेंट कमिश्नर का भी निकला हुआ है, और फाइनेंशियल ऑफिसर का, असिस्टेंट इंजीनियर का, हिंदी ट्रांसलेट, अपर डिविजनल क्लर्क का, स्टेनोग्रेट का। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी LDC में निकली है, जो कि 561 वैकेंसियाँ हैं। इसका लाइब्रेरियन ग्रुप बी में निकला हुआ है टोटल, इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट निकली है, 214 वैकेंसी है। सब यहाँ सब यहाँ पोस्टें निकली है, किसमें कितनी पोस्ट हैं, रिजर्वेशन कास्ट की। और क्वालिफिकेशन डिटेल देखा जाए, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए, तो डिप्टी कमिश्नर के लिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 second क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, 5 year रेगुलर सर्विस एज असिस्टेंट कमिश्नर, इन सब के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसे हासिल कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का भी यहाँ पे सारा वैकेंसी निकला हुआ है, और सी आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। फाइनेंस ऑफिसर का भी निकला हुआ है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग का भी, ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 year एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग इन कंसर्न ब्रांच, या 3 year डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या 5 year एक्सपीरियंस इन कंसर्न ब्रांच, एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। असिस्टेंट का निकलवाया है, हिंदी ट्रांसलेट, सब यहाँ आप देख सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपर डिविजनल क्लर्क का भी दिया है, ग्रेजुएट चाहिए, 3 year एक्सपीरियंस एज LDC इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, अब सेक्टर डिजायरेबल दिया है, और स्टेनो में 12th स्किल टेस्ट सब मांगा है। लोअर डिवीजन LDC में, लोअर डिविजनल क्लर्क में 12th मांगा है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, टाइपिंग स्पीड है 35 per minute वर्ड इन इंग्लिश या हिंदी में, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब मांग रखा है, सब क्वालिफिकेशन है। हाँ, एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट एंड एज रिलैक्सेशन, हाँ तो एज रिलैक्सेशन जो SC OBC कैटेगरी है, हैंडीकैप्ड वुमन, इन सब के लिए कैटेगरी दे रखा है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 year, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 year, वुमन फॉर पोस्ट लाइब्रेरियन कैटेगरी इंक्लूड, इनके लिए 10 year दे रखा है, और सब यहाँ दे रखा है आपका एज रिलैक्सेशन। हाँ तो चलिए अब अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जान लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है फिलिंग ऑनलाइन के लिए, फॉर्म के लिए। द कैंडिडेट हैव टू पे अप्लीकेशन फीस ऑनलाइन टू द प्रिस्क्राइब लिंक एट ऑनलाइन।
जो फर्स्ट है डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, द एप्लीकेशन फीस विल बी, उनका फीस होगा 1200 रुपये पर इच पोस्ट, इच पोस्ट के लिए 1200 रुपये। और फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंसी ऑफिसर्स, असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, यूडीसी स्टेनोग्रेट सेकेंड, एलडीसी एंड लाइब्रेरियन, इनका एग्जामिनेशन फीस होगा 750 रुपये फॉर इच पोस्ट। फीस ऑन पेड विल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस, फीस इसमें आपका रिफंडेड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे जो एससी एसटी पीएच एंड एक्समैन है उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो उनके लिए फ्री है, इजीली अप्लाई कर सकते हैं और सब यहाँ दे रखा है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, आप इजीली वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड।